हे हाउस इट गोइंग मैन आप देख रहे हैं मिकटाउ इंडिया सॉरी बहुत दिनों के अपलोड करके आ, नया जॉब कर रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ भी चल रही है तो टाइम निकालना मुश्किल है लेकिन डोंट वरी आई स्टिल कीप अपलोडिंग आप लोग सपोर्ट करते रहिए सब्सक्राइब करिए अगर आप अभी तक नहीं करें तो तो ये आर्टिकल मुझे मिला है मेल माइक्रो माइक्रोकाइमिज़म के ऊपर बहुत आर्टिकल्स हैं ये एक नहीं एंड बहुत वीडियोज़ भी बन चुके हैं ये टॉपिक पर कोच ग्रेग एडम्स और बोलकर काफ़ी मशहूर रेड पिल मिग आदमी है तो वो बंदा भी बहुत अच्छी वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले तो ये क्या होता है बोले तो आ, ये साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी है कि जो भी औरत एक, एक भी आदमी के साथ एक बार भी अगर सो गई सेक्सुअल एनकाउंटर एक बार भी हो गया तो उसका डीएनए वो स्टोर कर लेती है फॉर तो अब आप देख लें मॉडर्न डे रंडी जो होती है एक हफ्ते में पाँच लोगों के साथ अगर वो सो गई आ, वो, क्लब्स पार्टीज़ वगैरह एक हफ्ते में नहीं चलो एक महीने में भी अगर पाँच आदमियों के साथ सोई है वो तो पाँच आदमियों का डी एन है उसके अंदर अब ठीक है रंडी की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग एक नॉर्मल आजकल नॉर्मल मॉडर्न डे लड़की लड़की ले लो आप तो एक पाँच साल में अगर वो तीन से लेके पांच लड़कों लड़कों के साथ सोई है फिर आके आपके साथ सेटल हो रही है आपके साथ आपकी गर्लफ्रेंड बन गई है बन गई है आप शादी करने वाले हैं शादी हो गई है आपकी उसके साथ तो जब आपका बच्चा होगा इसके साथ तो सिर्फ आपका डीएनए नहीं रहेगा जो पास्ट तीन और पांच जितनी भी लड़कों के साथ जो सोई है वो लोग का भी डीएनए आपके बच्चों में रहेगा हाउ इंटरेस्टिंग इज दिस गाइज एंड हाउ स्केरी इज दिस लड़की के सेक्शुअल इनकाउंटर्स पार्टनर्स के डी एन ए आपके बच्चों में रहेगा इसी लिए इसीलिए मैं बोलता हूँ लड़कियों से बच के रहें बिल्कुल कमिट मत करें अगर करना चाह रहे हैं आप तो वर्जिन लड़की ढूँढें बहुत रीजन्स है बहुत रीजन्स हैं वर्जिन लड़की ढूंढने का वर्जन लड़की के साथ शादी करने का इसीलिए लिए रिलीजन्स रिलीजन सही है भाई लोग थोड़े चीज़ आगे अगर आप अग्री नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं लेकिन ये जो वर्जन्स की जो वैल्यू है रिलीजन् में हिंदूज़ में मुस्लिम्स में क्रिश्चियनिटी में एक रीज़न से है एंड बहुत सही चीज़ है वो एंड ये एक रीज़न है कि वर्जन से शादी करना है क्योंकि प्योर बच्चा होगा आपका एंड फर्स्ट टाइम अगर आपके साथ वो एक्सपीरियंस करेगी तो वो एक अलग लव अलग एफेक्शन रहेगा आपके लिए तो यस हर बॉडी काउंट मैटर्स यस इफ शी हैज मोर देन वन पार्टनर डू नॉट मैरी हर एक्चुअली इफ शी हैज लिटरली ज़ीरो पार्टनर्स देन शी इज़ फाइन इवन इफ शी हेज़ वन बिफोर यू then I say no and even you should say no मैं आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन uh, में डालूँगा अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो फिर मिलते हैं कल शायद परसों थोड़ा न्यू शेड्यूल एडजस्ट कर रहा हूँ मैं बट आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू बी एज एक्टिव एज बिफोर फिर मिलते हैं कल धन्यवाद